तो आनंद स्वरूप भगवान है। बस फर्क इतना है, हमारे जीवन में आनंद की अभी कमी है, इसलिए हम दिन रात रोते रहते हैं। संतों के पास जाओ तो देखो उनका स्वरूप, उनका मुख का तेज, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख के लगता है क्या पा लिया इन्होंने जीवन। और संसारियों को देखो, करोड़ों का बंगला होने के बाद भी रोना चालू ही रहता है। तो इसके कारण खोजिए, इसके कारण खोजने चाहिए सबको, ढूंढना चाहिए कारण कि ऐसा क्या कारण है। मुझे, मेरी समझ में जो आता है, मुझे तो ऐसा लगता है, आप अपने घर टीवी चला के बैठो, आपकी टीवी चल रही नहीं हो, पड़ोसी उस पे बैठ के खूब बढ़िया मैच देख करके हा हुल्ला आनंद ले रहे, आपकी नहीं चल रही, तो कारण खोजो। जबकि आपकी कलर्ड है, उसकी तो ब्लैक एंड वाइट है, सालों पुरानी, आपकी एकदम अपडेटेड है, क्या कारण हो सकता। या पहला कारण तो ये, आपने टीवी चालू ही नहीं की हो, उसने चालू कर ली है। संतों ने अपने जीवन की जो रिमोट कंट्रोल हो उनके हाथ में, इसलिए उन्होंने चालू कर रखा है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि नेटवर्क आ नहीं रहा है। पहले होता था ना एंटीना, तो जब वो नेटवर्क नहीं आता था तो एक को ऊपर भेजते थे, तो एक ऊपर जाता था, एक आंगन में खड़ा रहता था और एक भीतर रहता था, तीन का काम होता था पूरा मैसेज पहुंचाना। वो पूछता आ गया, तो नीचे से कहता नहीं नहीं अभी नहीं आया, और घुमाओ, फिर और घुमाते थे। क्यों घुमाते, बोले नेटवर्क कहाँ से मिल जाए कुछ नहीं पता, तो घुमाओ नेटवर्क, घुमाओ क्या पता कहाँ मैच हो जाए। ठीक उसी तरह अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मन का नेटवर्क घुमाओ, संतों की रेंज में उसे लेके जाओ, तो हो सकता आप भी बैठ कर के टीवी पर उसका आनंद ले सके। तीसरा कारण ये हो सकता है, या तो आपकी टीवी को रिपेयर होने की जरूरत है। जब कई बार वो टीवी नहीं चलता था ना, पुराना वाला, तो कैसे चलाते थे, उसमें थप्पड़ मारते थे यहाँ से, मतलब मुझसे तो सारे आप बहुत अनुभवी ज़्यादा बैठे होगे, ऐसे थप्पड़ मार मार के उसको फिर एकदम से चल जाता था। तो इसका मतलब मन को थोड़ा सा भी झटके की जरूरत है। और ये थप्पड़ कोई दुनिया वाला तो मार नहीं सकता, क्योंकि मारे तो हम उस पर चढ़ जाएं, ये थप्पड़ एक ही व्यक्ति मार सकता है, सदगुरु। थप्पड़ मतलब डांट, अनुशासन, तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये गुरु ही कर सकता है। तो खोजते रहिए अपने आनंद की, जहां आपकी प्राप्ति हो जाए उस आनंद की खोज में लगे रहना चाहिए। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।